हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सॉरी, गुड आफ्टरनून। हमने जैसे आपको फर्स्ट ब्लॉक में बताया था अपना नाम और मेरी शादी कहाँ पर हुई है, वो अगर आपको जानना है और भी स्थिति और अच्छे बातें तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में शेयर करें। और आप प्लीज़ किसी को डीमोटिवेट नहीं करें, क्या बोलते हैं, मतलब किसी को तकलीफ ना दे। और जब वो अपने कामयाब पे खड़ा हो रहा है तो अपने लोग ही उसको तकलीफ ताना देते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। तो उसको आगे बढ़ते हुए चलने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जलते हो तो खुद करके देखो ना एक बार, कि दिन भर कैमरा लेके खड़ा रहना, फिर उसमें से छाटना और फिर अपलोड करना, अकेले घर संभालना, बच्चे संभालना, परिवार संभालना, उसके बाद ये सब काम करना, उसके पास कितना समय बचता होगा, कितना क्या करता होगा, कैसे वो आराम करता होगा, कैसे वो खाना खाता होगा। अरे ये चीज़ सोचिए ना आप लोग, ये मत सोचिए कि YouTube में वीडियो डाल रही है, कैसे डाल रही है, अच्छा नहीं डाल रही है, नाइटी में पहन के डाल रही है। तो हर समय वो तैयार हो करके आप कहोगे एकदम उस तरह का रील बनाएं, उस तरह का वीडियो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे, फेमस रहे, वो मेरे में मुकाबले नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को कहीं तकलीफ़ होता है कि हमारा वीडियो बनाना आप लोग को तकलीफ़ हो रहा है तो मत देखो ना, कहेला कमेंट करते हो, मतलब हम लोग को तकलीफ़ दे तो हमारे परिवार तो नहीं ना दे रहा, हमारे ससुराल वाला साथ दे रहा है ना। अगर आप लोग को तकलीफ़ हो रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मत परेशान करो, हमारी मेहनत है, हमारा सफलता है, आप लोग को देखा नहीं जा रहा है। हाँ, जिस दिन मैं सफल हो जाऊँगी, जिस दिन मैं फेमस हो जाऊँगी, मैं उन लोग को तहे दिल से बोलती हूँ, मैं जवाब ज़रूर दूँगी, ऐसा जवाब दूँगी कि जो आज बोल रहा है ना, ये जो कैमरा टान के तुम खड़ी हो जाती हो, सारा काम धंधा करके उसके बाद भी तुम कैमरा जहाँ जा रही हो वहाँ कैमरा लेके खड़ी जाती हो। अरे हम क्या कैमरा लेके खड़ा है, हम तो सिर्फ मोबाइल से दिखा रहे हैं। आजकल यूट्यूब में कितने बड़े बड़े कैमरा लेके चलते हैं, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी हैसियत मोबाइल तक है। तो हम मोबाइल से रील बना रहे हैं, हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, तो आपको क्या गलती हो रहा है, पहले ये बताओ ना आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। हाँ, अगर आपके नाम ले रहे हैं, आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, आपके गलत बोल रहे हैं, तो आप बोलो ना, हम आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, ना हम आपको कुछ बोल रहे हैं। प्लीज़ किसी को तकलीफ़ ना दो। अगर वो औरत एक अपने पैर में खड़ा होना चाह रही है तो उसको खड़ा होने दो ना भाई, आपसे तो पैसा नहीं मांग रही है ना, आपसे भीख मांग रही है, ठीक है ना। ना हम आपसे बोल रहे हैं कि मेरा सब्सक्राइब करो वीडियो, कि मेरा लाइक करो वीडियो, मेरा कमेंट दो, हमेशा जितना हमारे अंदर जितना भी है वो जनता देख रही है, और जनता हमको सपोर्ट करेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज हो गया है 4-5 साल हो गया हमको इस वीडियो बनाते बनाते, अभी तक सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हुआ। तो आप लोग को लगता है कि कुछ नहीं है, जिस दिन ये यूट्यूब में हम छा जाएंगे ना, उस दिन हम आपको दिखा देंगे, मेरे बच्चे 3 तो है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है। प्लीज़ मत करो, मुझे तकलीफ़ मत दो, हम आगे नहीं बता सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया चल रहा है, इसमें हम अपने पूरे पूरे जर्नी का बात नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या बीती है, क्या है, क्या तकलीफ़ है, हम नहीं बता सकते। बस मैं अपना एक हिसाब से सोच लो, मनोरंजन कर रहे हैं, ना समय बिता रहे हैं, तो आप लोग को क्या तकलीफ़ हो रही है जो आप लोग मेरे पेरेंट्स को बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो, मत करो यार, मत करो। एक औरत अगर जैसे कम पढ़ी लिखी है, अगर वो कुछ ससुराल का नाम रोशन करना चाह रही है तो उसको आप लोग मोटिवेट करो ताकि वो आगे बढ़े, ये मत करो कि तुम नाइटी पहनी हो, नहीं तुम सजी धजी नहीं हो, तुम जैसे उठती हो वैसे, अरे हम थोड़ी हमारा देखो, देखो मेरा बाल नहीं है, सही से धड़ा नहीं है, क्या चीज़ कमी है। अब आप कहोगे कि लिपस्टिक लगाओ, इधर से दिखाओ तो उधर से दिखाओ, तब वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
आजकल यूट्यूब यूट्यूब एक सफाई है, आप लोग नहीं जान रहे हो, यूट्यूब में सफाई है, इसलिए यूट्यूब को ही सुनता है सब कोई, क्योंकि यूट्यूब में हम लोग का यूट्यूब फैमिली जो है एक अच्छा वीडियो देखना चाहती है, एक पारिवारिक वीडियो देखना चाहती है, जिसमें थोड़ा सा मस्ती हो, जिसमें थोड़ा सा खाना बनाए हो, तरह तरह का चीज़ बना रहे हो, अगर बिहार में है तो बिहार में क्या डिश चलता है, यूपी में है तो यूपी में क्या डिश चलता है, इससे उनको जानकारी प्राप्त होती है। हमको ये भी नहीं मालूम है कि हम कब आगे बढ़ेंगे, कब मेरे पास अच्छा होगा, मेरे पास मेरे बच्चे के सपने पूरा होंगे, हम कब बच्चे को अच्छे अच्छा स्कूल में सभ्यता दे पाएंगे, मुझे नहीं पता है। बस आप लोग से एक हाथ जोड़ के विनती है, मुझे तंग करना बंद कर दो, आप अपने जरिए के आगे बढ़िए, हम आपके जरिए से आगे बढ़ते हैं। आज तक तो हम चार दीवार में बंद थे, आज हम खुले हैं, ठीक है, वही तो रील है ना, जब तक बहू मुंडी झुका करके सुनते रहती है तो बहू बहुत अच्छी लगती है, संस्कारी लगती है, लेकिन हाँ जब वो अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जब लड़ बैठती है ना, तो उसको तो समाज क्या, अपने घर वाले भी नहीं छोड़ते, सही ना, सही कह रहे हैं। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, नए है तो सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ मुझे मोटिवेट, मुझे आप लोग का ताकत चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट दो, बहुत ज़रूरी है हमको सपोर्ट देना, ताकि हम YouTube क्या कर सकता है, ये अपने परिवार को, अपने समाज वाले को समझा सके कि मेरा YouTube कर क्या सकता है। ये छोटी सी हमारा वीडियो देख करके आप लोग जज कर लेते हो ना, प्लीज़ मत करो, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, जो ये देख रहा है वो खुद समझ रहा है कि हम उसको हम बोल रहे हैं, आप अपने तरीक़े से आगे बढ़िए, हम आगे अपने तरीक़े से बढ़ते हैं, अगर हम बदनाम हैं, अगर हम गलत हैं, ऊपर वाला भगवान देख रहा है, वो सही करेंगे, एक ना एक दिन तो हम भी YouTube में कामयाब होंगे। हे YouTube देता, मुझे आगे करो, मुझे इस परिवार में शामिल करो जो हम अपने सुख दुख बांट सके। हाँ, अगर आपको मेरा अलग रील देखना है कि हम अपने बारे में क्या सुख है, क्या दुख है, कितना झेले, कितना किया कि, अगर आप लोगों को जानने का उचित है तो आप बोलिएगा, तो हम उसका ब्लॉग अलग से बनाएंगे, लेकिन ये जो है ना वीडियो, ये मेरा फैमिली वीडियो है, इसमें हम बच्चे भी शायद देखते होंगे, ये चीज़ गंदे वर्ड हम नहीं बोल सकते। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, नए है तो सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ मुझे सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, आप लोग का साथ और सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे, मुझे अपने ससुराल को आगे उठाना है और मेरा परिवार को आगे चलाना है। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, नए है तो सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, खुश रहने दे, लव यू।